शीत भंडार जिसे देखकर आपको आ जाएगी गर्मी। जी हाँ, वाकया सहरसा के कोल्ड स्टोरेज का है। 1986 में शुरू हुए बिस्कोमान शीत भंडार प्रशासनिक लचर व्यवस्था का शिकार बन गया और देखते देखते आलू 70 रुपए किलो पहुंच गया। वैसे तो बात पूरे बिहार पर लागू है, पर सबसे बड़े शीत भंडार की हालत और भी बदतर है, जहां लगे आधुनिक संयंत्र चालू भी पूरी तरह नहीं हो पाए और बंद भी हो गया। विद्युत आपूर्ति के लिए इस भंडार गृह में 4000 टन आलू रखने की व्यवस्था थी। ताज्जुब की बात यह है कि किसानी पर टिके अर्थव्यवस्था में पलीता लगाने वालों की जिम्मेदारी तय नहीं होती और एक एक करके बंद होते जा रहे किसानों को सुविधा केंद्र पर कोई चू नहीं बोलता। 1983 में कृषि मंत्री स्वर्गीय रमेश झा ने इस संयंत्र का शिलान्यास किया था, जो कुछ सालों तक चला भी, बंद भी हुआ। रिपेयरिंग के नाम पर लूट भी हुई होगी, पर उन किसानों का क्या, जिसे अन्नदाता कहते तो हैं पर उनकी सुनते नहीं हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बिल समय पर नहीं देने से बहुत ज्यादा बिल बन गया है, उसके कारण वहाँ बिजली बोर्ड उसको लाइन काट दिया और ट्रांसफार्मर वगैरह से सबका कनेक्शन खत्म हो गया। यहाँ के किसानों को काफ़ी दिक्कतें होती है। किसानों को तो होती ही है, वह आज वही किसान जो है मार्केट में जा करके जो आलू यहाँ बिकता था 5 से 10 रुपया, आज वहाँ 20 रुपया बिक रहा है। यहाँ सहरसा जिला खास करके किसानों का धरती है, लेकिन यहाँ किसी सरकार या ऊर्जा मंत्री हमारे माननीय विजेंद्र बाबू जो हैं उनको खास ध्यान रखना चाहिए। वो चूँकि कोसी इलाके का वो बेटा है, आज मंत्री है बिहार सरकार के, तो कोसी इलाके का बेटा भी है, उनको इस पर खास ध्यान रखना चाहिए। मैं मांग करता हूं कृषि मंत्री से कि आप जल्द से जल्द इन कोल्ड स्टोरेज को चालू करवाएं, ताकि किसान गरीब मजदूर जो है उसका जीवन यापन सुरक्षित रहेगा। का उपज हम लोग नहीं कर पाते हैं, जहाँ 10 एकड़ में करते थे वहाँ 10 कट्ठा में भी नहीं कर पाते हैं। आलू का उपज करते थे, ज़्यादातर सड़ता था, अभी इसीलिए हम लोग नहीं कर पाते हैं। बिस्कोमान चालू हो जाएगा तो हम लोग फिर से आलू का खेती। कितने वर्षों से आप बंद पड़े हैं? 5-6 साल तो हो गया है।